की तरफ चंडीगढ़ से खबर आ रही है, जहां पर शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें कि हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने यह नोटिस भेजा है और करनाल के सरकारी स्कूलों से जुड़े मामले हैं उसी को लेकर नोटिस भेजा गया है। दो स्कूलों की दयनीय हालत के लिए नोटिस जारी किया गया है। दो स्कूल जिनकी स्थिति बहुत दयनीय थी उसी को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। 2014 के बाद स्कूलों में बेंचों की खरीद तक नहीं हुई है। सर्दी में ये बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ने पे मजबूर नजर आ रहे थे। ये नोटिस की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। करनाल के 97 स्कूलों के 325 कमरे असुरक्षित भी घोषित किए गए थे, लेकिन बावजूद इसके इनमें पढ़ाई की जा रही है, पढ़ाई वहां पर बच्चों से करवाई जा रही थी। तो इसी वजह से शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये नोटिस हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने भेजा है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर करनाल के सरकारी स्कूलों से जुड़ा ये मामला है और इसी मामले से जुड़े केसों में ये नोटिस तलब किया गया है। दो स्कूलों की स्थिति हालत दयनीय थी। 2014 के बाद एक स्कूल ऐसा है जहां पर बेंच, जहां पर स्टूडेंट्स को बैठना होता है, उसकी खरीद ही नहीं हो पाई थी। इतनी सर्दी में वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो फर्श पर बैठकर पढ़ रहे थे, मजबूर थे पढ़ाई करने के लिए क्योंकि बेंच की सुविधा वहां पर नहीं है। असुरक्षित घोषित होने के बावजूद भी ऐसे कमरों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है जो उनकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। राकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं फिर से। राकेश जी, क्या अब माने कि इस नोटिस के बाद जो बाकी के स्कूल हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि करनाल के ही ये कोई मामला है या दो ही मात्र ऐसे स्कूल हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर ये स्थिति आज भी है, सजग हो जाएंगे? देखिए पूजा, ये जो आज मामला है जिसमें नोटिस हुआ है मानवाधिकार आयोग का, वो करनाल के स्कूल हैं। हालांकि आप जानते हैं कि और भी बहुत से स्कूल होंगे और सरकार के लंबे चौड़े दावों के बावजूद अभी भी बेंच नहीं है, ये विचित्र बात है। और ऐसा भी है, 2014 के बाद से बताया जा रहा है कि जो स्कूल में बेंच हैं बैठने के लिए यूज किए जाते हैं उनकी खरीद नहीं की गई, जिसके चलते बच्चों को सर्दी के मौसम में भी नीचे फर्श पर बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। सरकार दावा करती है कि कोई भी बच्चा अब नीचे बिठाकर नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन इस पिटीशन में और मानवाधिकार आयोग के नोटिस में साफ हो गया है कि अभी भी नीचे बिठाकर जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। 97 स्कूलों के 325 कमरे असुरक्षित बताए हैं और ये जो इसके बावजूद इन स्कूलों में जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, यानी कि उनकी जान को खतरा हो सकता है कभी भी। तो इस सब को लेकर जो है मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है। हरियाणा के जो है एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्हें जो नोटिस जारी किया गया है और वजह पूछी गई है। हालांकि इसमें यह स्पष्ट नहीं है आदेशों में कि कब उन्हें जवाब देना है, लेकिन यह एक बड़ी जो खामी है शिक्षा विभाग की वो सामने आई है कि इतना बजट होने के बावजूद और इतने लंबे चौड़े के बावजूद भी आज जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं तब भी बच्चों को जो है सरकारी स्कूलों में नीचे बिठाकर पढ़ाया जा रहा है और उसके साथ साथ असुरक्षित कमरों में बिठाकर पढ़ाया जा रहा है, जो कभी भी उनके लिए खतरनाक हो सकता है। और ये है पूजा जी की हादसा होने के बाद हाथ मलने का कोई फायदा नहीं, सरकार को समय रहते इस पर चेतना चाहिए। मानवाधिकार आयोग ने जो नोटिस दिया है इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि हमारी अभी शिक्षा विभाग के अधिकारी से या मंत्री से बात नहीं हुई है, उनसे उनका पक्ष भी लेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ है। अधिकार आयोग की पीठ के न्यायमूर्ति एसपी मित्तल और न्यायमूर्ति श्री केसी पुरी और दीप भाटिया जो कि सदस्य हैं, उन्होंने ये समाचार है उनके आधार पर खुद ही संज्ञान लेते हुए जारी किया है। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने जो नोटिस भेजा है उस नोटिस के बाद आखिरकार क्या जो तमाम स्कूल हैं हरियाणा के उनमें कुछ सुधार आ पाएगा ये भी देखना होगा और कितना ज्यादा असर बाकी के स्कूलों पर पड़ेगा।